लुक वाइज तो ये वाला मटका ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको घुसा के भी दिखाता हूँ कैसा है। अच्छा सा तेल लगा के हिलाना पड़ेगा इसको। मैंने देखा पावर ब्रेक जैसा ट्रक जैसा आवाज लगता है। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल, और आज की इस वीडियो में हम लोग जो है इस साइकिल का रिव्यू करने वाले हैं। तो साइड में ये इन साइकिल का ओनर है मिस्टर शुभ कुमार। और तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो आप देख सकते हो ये है हीरो की बॉनफायर, और इसका जो है लुक्स मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो फ्रंट से आप देख सकते हो कुछ ऐसा है। इसमें आपको जो है नॉर्मल वाले मडगज मिलते हैं, इस जैसे मडगज नहीं मिलते जो कि आजकल का मैक्सिमम साइकिल्स में मिलते हैं। फ्रंट का लुक तो आपने देख लिया, अब जो है मैं आपको साइड का लुक दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो साइड से कुछ ऐसी लगती है। यहाँ पे आपको हीरो का मतलब हीरो लिखा हुआ देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे इसका साइकिल का नेम बॉनफायर है वो भी आप देख सकते हो। और यह जो इसका मडगज का कवर है इसमें भी आप जो है देख सकते हो हीरो बॉनफायर लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ पीछे का हम लोग लुक दिखाते हैं, तो ये आप देख सकते हो कुछ ऐसा लगता है। और टायर्स जो है आप देख सकते हो कुछ ऐसा है आपको। तो इसमें जो आप देख सकते हो 26 इंच का टायर मिलता है आपको, और इसी के साथ साथ इस टायर का इस टायर ये वाला टायर जो है ऑलमोस्ट 2 इंच मोटी है। तो आप फीचर्स की बात करें तो सीट आपको देख सकते हो सीट कुछ ऐसी मिल जाती है, एंड इसमें जो है पीछे कैरियर भी मिल जाता है। ये आप देख सकते हो इसमें कुछ लगा भी सकते हो लाइक क्रिकेट का बैट जैसे कि देख सकते हो लॉक यहाँ पे लगा हुआ है। और इसी के साथ साथ देख सकते हो मडगज जो मैंने पहले भी बताया, इसमें जो है ऐसे मडगज आते हैं, ऐसे मडगज नहीं मिलते। लुक वाइज तो ये वाला मडगज ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये मडगज ज़्यादा अच्छा है कि ये वाला मडगज जो है इजीली टूट सकते हैं, लेकिन ये सब मडगज टूटने वाले नहीं है इतना आसानी से। और इसके साथ साथ आपको पैडल कुछ इस तरह का मिल जाता है, और पैडल्स में तो रिफ्लेक्टर भी है जो कि मैक्स कॉमन है सारी साइकिल्स में। और इसमें आप देख सकते हो सामने और पीछे आपको पावर ब्रेक्स या फिर डी ब्रेक्स मिल जाते हैं, आप जो भी कहना कह सकते हो। और पीछे भी आपको सेम पावर ब्रेक्स मिल जाते हैं। और इसी के साथ साथ इसमें सामने और पीछे सस्पेंशन या फिर सोकर जो आपको बोलना है बोल सकते हो मिल जाते हैं। सामने का आप देख सकते हो कुछ ऐसा है, और पीछे का भी आप देख सकते हो। और इसी के साथ साथ मैं आपको घुसा के भी दिखाता हूँ कैसा है। और अब हम लोग जो है इसको सामने का सस्पेंशन घुसा के दिखाएंगे। तो जाम हो गया है, तेल लगाया नहीं हो क्या? तेल लगाया नहीं हो क्या, मतलब ऑयलिंग नहीं किया हो क्या? किया। तो फिर जाम हो गया है सस्पेंशन साथ। ना ना आप थोड़ा सा, लेकिन फिर भी थोड़ा थिंग घुसाना पड़ेगा, अच्छे से तेल लगा के हिलाना पड़ेगा इसको, तब सही होगा। हाँ तो अभी तो ऐसा है। और पीछे का भी दिखा देते हैं, पीछे का देख सकते हो कुछ ऐसा है। हाँ पीछे का सही है। इसका मजा ले रहा है। पीछे का एकदम सही है, पीछे का जनरली सही भी रहता है। और देख सामने का फिर से दिखाता है। हाँ सामने का ठीक है, लेकिन आई थिंक फिर भी थोड़ा ऑयलिंग करना जरूरी है, अच्छे से तेल लगा के हिलाना पड़ेगा। और ये कैरियर में तो वैसे 30 kg का मैक्सिमम लोड ले सकते हैं। ये हल्के से बैठ के दिखाता हूँ, इसका मजबूती कुछ ऐसा है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे शायद कुछ मतलब रियर रिफ्लेक्टर या कुछ था, नहीं था। अच्छा तो यहाँ पे लेकिन कुछ तो मतलब शायद लगाने का जगह है रियर रिफ्लेक्टर या फिर कुछ और चीज़ का, लेकिन यहाँ पे लगा सकते हो अगर तुम चाहो तो। और सामने भी कुछ रिफ्लेक्टर नहीं है, लेकिन वो अलग से लग सकता है। और ब्रेक्स, अब हम लोग ब्रेक्स का भी थोड़ा चेक कर लेते हैं, इसको थोड़ा चला के भी दिखाएंगे। का हैंडल देख सकते हो कुछ ऐसा है, और ऐसा कुछ आपको हैंडल मिल जाता है। और आप देख सकते हो हैंडल सही है, लेकिन ये आवाज़ किस चीज़ का है? ये हैंडल आवाज़ क्या शुरू से आता था? हाँ तो कुछ तो यहाँ पे मतलब गड़बड़ है। ठीक है कोई बात नहीं, अब हम लोग चला के देखेंगे। ओ ये कैमरा मैन को ठोकते हुए इसका ब्रेक एक बार टेस्ट करूंगा। काफी ज्यादा उठ गया। काफी दिन बाद मैंने स्टॉप ही किया, अजीब लगा। सामने का ब्रेक तो अच्छा है, लेकिन पीछे का ब्रेक थोड़ा लूज है। ठीक है, इसमें जो है मैं और एक चीज बोलना भूल गया। इसमें इसका जो टायर है
इसमें आपको दो रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो सामने में एक है क्योंकि शायद दूसरा वाला गिर गया होगा। जैसे कि मेरा साइकिल में पहले दो दो करके दोनों टायर में था, लेकिन अब एक भी नहीं है क्योंकि ये चलाते चलाते अपने आप ही खुल जाता है। तो अब हम लोग जो है इसको नॉर्मल रास्ता में चला के देखने वाले कैसा है। अभी जो है मैं ये वाला साइकिल चला रहा हूँ, इसका पीछे का ब्रेक तो काफ़ी लूज है लेकिन सामने का काफ़ी टाइट है। अब जो है हम लोग इसका टॉप स्पीड चेक करने वाले हैं, तो यहाँ से ऐसे शुरू करना चाहिए। टॉप स्पीड आपने देखा कुछ ऐसा था। तो भाई मैंने इसका टॉप स्पीड चेक किया एंड इसने जो है 38 तक मैंने खींच पाया इस साइकिल से, और उसके बाद मैंने और खींचा नहीं। ये 40 तक तो मैं बोल सकता हूँ ये आराम से चला जाएगा 40 तक, लेकिन मैंने जो है 38 तक खींचा। लेकिन इस स्पीडोमीटर का हिसाब से मैंने इससे पहले टेस्ट किया था कि कितना ज़्यादा एक्यूरेट है, तो ये काफ़ी हद तक एक्यूरेट है, लेकिन हम बोल सकते हैं इसने 40 तक ही खींचा होगा। तो अब जो है हम लोग इसका ब्रेक भी टेस्ट कर चुके हैं। सामने का ब्रेक तो इसका काफ़ी तगड़ा है, लेकिन पीछे का ब्रेक जो है वो काफ़ी लूज है, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर हम लोग इसको टाइट कर दें। अगर मैं इन दोनों साइकिल का कंपैरिजन करूँ तो डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करो, चाहे वो गियर के साथ हो या फिर बिना गियर का, ये वाला ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ तो ये वाला साइकिल, मुझे लगा शायद ये वाला साइकिल उस साइकिल से ज़्यादा बेटर है कम्फर्ट में। इस साइकिल को लेके तुम्हारा कितना वक्त हुआ? एक दो साल हो गया। एक दो साल हो गया, अच्छा। और एक दो साल में इस साइकिल को लेके चला के कैसा लगा? बढ़िया। सस्पेंशन आपको कैसा लगता है इस साइकिल का? सस्पेंशन इसका अगर आप ऑफ रोडिंग करेंगे, क्योंकि ऊबर का रस में ये आवाज बहुत करे, ढन 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 आवाज करेगा। मैंने भी देखा, ये क्या शुरू से ही था? और इस साइकिल को खरीदने के क्या बाद अब वो क्या क्या चीज बेस्ट लगा और क्या क्या चीज आपको मतलब लगा कि इम्प्रूव हो सकती है या फिर अच्छा नहीं लगा? ठीक है, मतलब फ्रंट ब्रेक तुमको अच्छा लगा? अगर आप फ्रंट ब्रेक मानेंगे तो आवाज बहुत करेगा। ना वो बगल वाले का कान ही सुनर सुन ना वो तो होता है। अब देख सकते हो कैसे आप लोग को हाँ फ्रंट ब्रेक का तुमने बताया, मैंने देखा पावर ब्रेक का जैसा ट्रक जैसा आवाज लगता है, से पुराना हो जाता हो। और इसका और एक चीज मैंने देखा, बस वो सब बाद में बताएंगे, लेकिन हाँ ये जो बोले थे फ्रंट पावर ब्रेक से जो आवाज आता है वो मैंने देखा है, सभी पावर ब्रेक में ऐसा आवाज आता है। और इसको ठीक है, कोई बात नहीं। तो कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव की बातें कर लेते हैं। तो इसका पहला पॉजिटिव ये है कि इसमें जो है इसका जो मडगार्ड है ये आपको जो है ऐसे प्लास्टिक का नहीं मिलता है, जो कि अच्छा है क्योंकि ये आसानी से टूटने वाले नहीं है। या फिर वे अगर इस तरह का मार्गट का बात करो तो ये तो आराम से टूट जाते हैं। तो और इसी के साथ सर अगर आप कीचड़ में चलोगे तो इतना आसानी से कीचड़ उड़ने भी वाला नहीं है। बाकी या इसका दूसरा पॉजिटिव की बात करें तो इसका ब्रेक्स, इसका जो ब्रेक्स है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पावरफुल है। और हाउएवर इसका जो मैंने पीछे का ब्रेक चलाया तो पीछे का लूज लगा, लेकिन इसको टाइट कर सकते हैं तो ठीक हो जाएगा टाइट करने के बाद। और इसका थर्ड पॉजिटिव मुझे लगा कि इसमें जो है कैरियर भी मिल जाता है, और उसी के साथ साथ सामने पीछे दोनों तरफ सस्पेंशन भी मिलता है। और अब हम लोग कुछ नेगेटिव का बात करें तो इसका फोर्थ पॉजिटिव यह है कि इसका परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बेस्ट है लेकिन अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। और इसका फिफ्थ पॉजिटिव मैं बोलूँगा कि इसमें सीट काफ़ी अच्छा है। और अब कुछ नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं, तो पहला नेगेटिव है इसका सस्पेंशन। इसका भले इसको सामने पीछे सस्पेंशन मिल जाता है, लेकिन इसका जो सस्पेंशन है वो उतना सही से कम नहीं करता है, और आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा करता है। तो मैं आप लास्टली एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या ये वाला साइकिल को जो है आप सजेस्ट करोगे दूसरे लोगों को खरीदने के लिए? कर ही सकता हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि ये वाला साइकिल ले, कि इस वाला साइकिल का मतलब मेरा वाला साइकिल का भी रिव्यू इसके बाद आएगा, हरकुलस टॉप गियर TZ110। उसके लिए जो है अब मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके अभी का अभी दबा दीजिए हमारा बेल आइकन। रुको रुको
रुको जरा सवार करो। हाँ हम लोग तो मतलब यार साइकिल का रिव्यू कर रहे हैं, ये लोग मस्त बिहाइंड द सीन्स एंजॉय कर रहे हैं। इसका हम लोग अब जो है कुछ पॉजिटिव इसका मेरे से बोला ही नहीं जा रहा। इसका हम लोग जो है हम लोग छोटी मोटी थोड़ा ऑफरोडिंग करने वाले हैं, ये देखते हैं कैसा जाता है। हाँ तो एकदम बढ़िया गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ।